हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं कॉम्पैक्ट स्पेसिस का लास्ट लेक्चर ले रही हूँ। इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगी कि एवरी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस। तो मतलब कॉन्टीन्यूअस से यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी भी मिल जाती है अगर मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट हो तो। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, क्या है ये? देखिए, आपकी बुक में ये थ्योरम इस तरीके से लिखी हुई है कि इफ़ एक्स टी एक्स इज एनी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस मैपिंग फ्रॉम दिस कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस टू अनदर मीट्रिक स्पेस, दिस अनदर मीट्रिक स्पेस मे और मे नॉट बी कॉम्पैक्ट। तो आपके पास है कि एक्स कॉम्पैक्ट है, एफ कॉन्टिन्यूस है, तो आपको ये तो पता है कम से कम कि रेंज जो होती है इसकी वो कॉम्पैक्ट होती है। बट इन एनी वे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक कॉन्टीन्यूअस मैपिंग चाहिए एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस से अनदर मैट्रिक्स स्पेस पे। देन फॉर ईच एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एक्सिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन एप्साइलन ओनली। और एप्साइलन पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ से डेफिनेशन बननी शुरू हो गई आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस की। सच दैट एफ ऑफ एस एक्स डेल्टा इज कंटेंड इन एस एफ एक्स एप्साइलन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब सिंगल डेल्टा विल वर्क फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड दैट डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्साइलन ओनली नॉट ऑन एक्स। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है? आपकी यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस की। तभी उसने लिखा है कि आपको प्रूफ करना है दैट इज एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस ऑन एक्स। तो आपको कॉन्टीन्यूटी प्लस कॉम्पैक्टनेस क्या दे देते हैं? यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। समझ आ गई? ये बात आपको याद रखनी है इन शॉर्ट। तो अब ये कैसे मिलेगी हमारे को? पहले मैं आपको इसको करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस कॉन्टीन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी का रिकॉल करा दूं। बच्चों देखो, जब हम बोलते हैं कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट सम पॉइंट से ए, तो हमारा इसका क्या मतलब होता है? गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट डी वाई एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर आपका डी एक्स एक्स ए इज लेस देन डेल्टा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एक्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये जो डेल्टा होता है, ये वाला जो डेल्टा होता है, ये डिपेंड्स ऑन एप्साइलन एंड एक्स बोथ, ठीक है। मतलब जो भी आप जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हो, उस पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और एप्साइलन पे भी डिपेंड करता है। मतलब फॉर ऑल जितने पॉइंट्स आप लेंगे उतने डेल्टा मिलेंगे। मान लो मैंने कह दिया एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट सम अदर पॉइंट, तो उस पॉइंट के लिए अलग डेल्टा होगा, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन के अंदर हर पॉइंट का एक अलग डेल्टा होता है, ठीक है। और वो डेल्टा एप्साइलन पे और एक्स पे दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक्स चेंज किया, डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। बट अगर आप इसी डेफिनेशन को यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में ले लेते हो, तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। आपका डी वाई एफ एक्स कॉमा एफ वाई लेस देन एप्साइलन आ जाएगा, डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा आ जाएगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। मतलब अब ये जो डेल्टा है ना, ये एप्साइलन पे भी डिपेंड, एप्साइलन पे डिपेंड करता है, एक्स पे नहीं करता। मतलब सिंगल डेल्टा विल वर्क फॉर ऑल एक्स। जब तक बात कॉन्टीन्यूटी की है, तो पॉइंट चेंज किया तो डेल्टा भी चेंज हो गया। बट जब बात यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की करी जाएगी, तो एक कितने भी पॉइंट चेंज कर लो, सब पॉइंट्स के लिए एक सिंगल डेल्टा काम कर जाएगा, ठीक है। सो दिस डेल्टा यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में, दिस डेल्टा विल वर्क फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में एक डेल्टा होता है, और जो आपका कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है, उसमें हर पॉइंट का एक अलग डेल्टा होता है आपके पास। और दोनों ही केसेस में डेल्टा एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही करता है, ठीक। तो हमें याद हो गई बात कि कॉन्टीन्यूटी में डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्साइलन एंड एक्स बोथ, पॉइंट पे भी और एप्साइलन पे भी। और यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी में डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एप्साइलन बट नॉट ऑन एक्स, इट विल वर्क फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो अब मुझे यही काम करना है कि कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन से डेल्टा निकालना है और एक ऐसा डेल्टा ढूंढना है विच विल वर्क फॉर ऑल एक्स, तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे पास है x इज़ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, f इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन x। अब आप ये भी याद रखें कि अगर f कॉन्टीन्यूअस है मैट्रिक्स स्पेस x के अंदर, तो इसका मतलब ये उस मैट्रिक्स स्पेस के हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है। सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ x। आपको पता है ना कि इंटरवल के अंदर मान लो हमें
कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल। तो ऐसे ही मीट्रिक स्पेस में कॉन्टिन्यूस है तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मीट्रिक स्पेस। तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स ले लिया तो एफ जो होगा एक्स पे भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है एक्स पर तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा एक्स ग्रेटर देन जीरो। मैंने जान के डेल्टा एक्स लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये डेल्टा इस वाले एक्स का है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में डेल्टा डिपेंड्स ऑन एक्स ऑल्सो। सच दैट डी वाई एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू वेन एवर दिस होल्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है मेरा एक्स ले रखा है तो इसलिए एफ एक्स एफ ए जो हम लिखते थे उसमें ए की जगह पर एक्स आ गया तो मैंने यहाँ पर एफ वाई कर दिया उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर वन बन गई मेरी बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट एक्स। अब क्या है, एफ तो कॉन्टिन्यूस पूरे मीट्रिक स्पेस पे था। जब पूरे मीट्रिक स्पेस पे कॉन्टिन्यूस था तो उसके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस था। अगर हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी के लिए मुझे एक एक डेल्टा मिलता जाएगा। ठीक है, तो मुझे डेल्टा वन मिला, डेल्टा टू मिला, डेल्टा थ्री, जितने पॉइंट्स होंगे उतने मेरे को डेल्टाज मिल गए। तो अब मैंने क्या किया, एप्साइलन को फिक्स करके वो डेल्टाज निकाल लिए। ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्साइलन है। मान लो मैंने एप्साइलन की वैल्यू वन फिट कर दी तो उस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टाज निकाल लिए मैंने हर एक्स के। ठीक है, तो वो सेटिस सच दैट दिस इक्वेशन नंबर वन इज सेटिस्फाइड। तो मेरे पास को इससे क्या मिलना शुरू हो गया, ये वाली इक्वेशन में अब ये कितने सारे मेरे को मिल जाएंगे डेल्टा एक्स। जितने डेल्टा एक्स होंगे उतने ही मेरे पास ये डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा, जैसे एक्स वन आ गया, फिर डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर, तो ये जितने भी मेरे को मिल जाएंगे इसमें से किसी एक का काम करके मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखो डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा एक्स है तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, y बिलोंग्स टू एस एक्स डेल्टा एक्स बाय डेफिनेशन ओपन ओपन बॉल। तो आपको एक ओपन बॉल मिल गई, एक ओपन बॉल मिली है, ओपन बॉल है तो ओपन सेट मिल गया। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे x मीट्रिक स्पेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक डेल्टा एक्स आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक ओपन बॉल आपको मिलती चली जाएगी तो आपके पास बहुत सारी ओपन बॉल्स इकट्ठी हो गई। आपने उन सब की कलेक्शन को ले लिया तो दैट इज़ द आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन बॉल्स। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट आ कहाँ से रहे हैं, एक्स से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एस एक्स। ये जो यूनियन बना इनका एस एक्स डेल्टा एक्स के जो ये ओपन बॉल्स बनी, इनका जो यूनियन बना ये पूरा का पूरा एक्स को कवर कर लेगा क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट से हमने ओपन बॉल्स बनाई हैं। तो उसकी पूरी सारी कलेक्शन जो होगी ओपन बॉल्स की वो मेरा पूरा का पूरा एक्स बना देंगी। तो दिस विल एक्ट एज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने डेल्टा एक्स ना लेके डेल्टा एक्स बाय टू ले लिया। आपको पता है कि रेडियस चेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास, आपने और छोटी रेडियस की ओपन बॉल बना ली। ठीक है, बड़ी रेडियस की भी ओपन बॉल थी, उससे छोटी वाली की भी ओपन बॉल थी। तो आपको ये समझ आया कि मैंने सिर्फ इस पॉइंट से डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा एक्स से मेरे पास बहुत सारे डेल्टा एक्स आते जा रहे थे, उन सब डेल्टा एक्स से मैंने आधी रेडियस लेकर उनसे ओपन बॉल्स बना ली तो वो सारा का सारा मेरा क्या बना देगी, एक्स बना देगी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया मेरे पास एक ओपन कवर। अब ओपन कवर का मैं क्या करूँ, देखो मुझे कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है, अगर ओपन कवर है तो उसके पास फाइनाइट सब कवर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस। अब फाइनाइट सब कवर कैसे मिलता है, कि ये जो आर्बिट्ररी फैमिली मिली थी आपको ओपन सेट्स की, इसके अंदर से कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स बाहर निकाल लिए तो मैंने क्या किया, इसमें से हमने फाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स बाहर निकाल ली। ठीक है, तो एस एक्स आई डेल्टा एक्स आई आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, ये मैंने एक फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन बॉल्स बाहर निकाल ली तो इनका यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन आपको यही कहती है कि जो फाइनाइट सब कलेक्शन आप निकालेंगे उस ओपन कवर में से वो पूरा का पूरा एक्स जनरेट कर देंगे। तो एक्स इज यूनियन ऑफ एस एक्स आई डेल्टा एक्स आई। अब ये सारे डेल्टा एक्स आईज जो है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा आईज है। ठीक है, इनकी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी तो इन सबकी सबसे छोटी रेडियस ले लीजिए। ठीक है, सो लेट डेल्टा बी द मिनिमम ऑफ दीज डेल्टा एक्स आई। तो सबसे छोटी ओपन बॉल निकाल ली आपने। ठीक है, इनमें से अलग अलग रेडियस की बॉल्स हैं, उनमें से सबसे छोटी बॉल आपने निकाल ली। हम शो करेंगे कि ये जो सबसे छोटी रेडियस वाली जो बॉल है ना, दैट डेल्टा विल वर्क फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अगर एक सिंगल डेल्टा हर एक एक्स के लिए वर्क करने लग जाए तो क्या बन जाता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो अभी तक मेरे पास इतने सारे डेल्टास थे, उतने सब डेल्टास की ओपन बॉल्स बना के ओपन कवर बना लिया, ओपन कवर से फाइनाइट सब कवर मिल गया। अब जो ये फाइनाइट सब कवर बना, इनमें से सबसे छोटी बॉल जो हम निकालेंगे उसका जो डेल्टा होगा दैट विल वर्क फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो हमने क्या किया,
कि मेट्रिक्स स्पेस एक्स के दो पॉइंट ले लिए एक्स वाई सच दैट डी एक्स एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा, ये मैं लेकर चल रही हूँ और मैं शो कर दूंगी कि वेन एवर डी एक्स एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा तो उनकी इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्साइलन होता है, तो डी वाई एफ एक्स एफ वाई इज लेस देन एप्साइलन ये मुझे शो करना है। ठीक है, देखो एक्स मेट्रिक स्पेस यहाँ है, वाई मेट्रिक स्पेस यहाँ पर है और एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पॉइंट है एक्स और वाई तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एफ एक्स एफ वाई यहाँ पर है, तो डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा मतलब अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लेस देन डेल्टा है तो इन दोनों के बीच में एफ एक्स और एफ वाई के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा दैट इज लेस देन एप्साइलन, मुझे ये शो करना है। ठीक है, कि अगर दो पॉइंट इमेजेस के ये डोमेन के दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर डेल्टा से लेस होता है तो एफ एक्स और एफ वाई के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन एप्साइलन है, ये मुझे अब प्रूफ करना है। तो मैंने क्या लिया बेटा, देखो मेरा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स लिया, अब कैपिटल एक्स किसके बराबर है, ये देखो यूनियन ऑफ एस एक्स आई डेल्टा एक्स आई के बराबर है, तो यूनियन है तो इसका मतलब एक्स जो है इस यूनियन में चला गया, यूनियन में चला गया इसका मतलब ये जो एक्स है ये किसी ना किसी ओपन बॉल में तो ज़रूर है, तो ये किसी एक ओपन बॉल में आ जाएगा फॉर सम आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, किसी एक ओपन बॉल में आ गया, अब वो आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ओपन बॉल की डेफिनेशन लगाओगे तो ये क्या बोलेगा आपको, डी एक्स ऑफ एक्स आई इज लेस देन डेल्टा एक्स आई बाई टू, अब डेल्टा एक्स आई बाई टू क्या है, लेस देन डेल्टा एक्स आई है। ठीक है, अब ये जब भी हो जाएगा होल्ड डी एक्स एक्स ऑफ एक्स आई इज लेस देन डेल्टा एक्स आई, तो ये क्या बोल रहा था आपका कि जब भी कोई चीज़ डेल्टा एक्स आई से लेस है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन नंबर वन थी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में, उसने आपसे क्या कहा था, जब भी डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा एक्स होगा तो आपका ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा डी वाई एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई वाई की जगह पे क्या आ गया एक्स आई आ गया, तो एफ ऑफ एक्स आई लेस देन एप्सिलॉन बाय टू आ गया बाय वन, इसका नाम मैंने थर्ड रख दिया, इस वाली इक्वेशन का नाम, इसका नाम मैंने थर्ड इक्वेशन रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो हमने ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया, हमने कैसे किया, हमने डी एक्स वाई एक्स आई निकाला, इसके बीच में एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया एक्स, सबको आती है ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगानी, तो हमने इसके अंदर ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी लगा दी, तो यहाँ से ये डी एक्स वाई एक्स तो है लेस देन डेल्टा और ये मेरे पास क्या आ गया डेल्टा एक्स इस लेस देन डेल्टा एक्स आई बाय टू आ गया, ये जो हमने ऊपर अभी यूज़ किया था, देखो डी एक्स वाई एक्स लेस देन डेल्टा तो ये लिखा हुआ, मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ यहाँ पे, ये देखो ठीक है, ये आ गया आपका डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया डेल्टा और ये डी एक्स एक्स आई की जगह पे हमारा क्या आ गया लेस देन डेल्टा एक्स आई बाय टू आ गया। अब ये दोनों के दो, अब डेल्टा को आप लेस देन डेल्टा एक्स आई बाय टू भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्या है मिनिमम ऑफ डेल्टा एक्स आई बाय टू है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग मिनिमम है तो डेल्टा इसका मतलब छोटा है, छोटा है तो छोटे का साइन लग गया इसकी तरफ, तो डेल्टा एक्स आई बाय टू आ गया, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया डेल्टा एक्स आई आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों डी एक्स ऑफ वाई कॉमा एक्स आई इज लेस देन डेल्टा एक्स आई आ गया। अब ये चीज़ जब भी होल्ड करती है तो इक्वेशन नंबर वन क्या कहती है आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से कि इनके इमेजेस के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्साइलन होगा, तो हमने इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्साइलन बाय टू ले लिया, यहाँ पर यही था आपके पास, अगर हम ऊपर एप्साइलन को एप्साइलन बाय टू ले लें तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो हमने ये वाला कंसिडर किया डी वाई एफ एक्स एफ वाई, इसके अंदर बीच में एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया हमने एफ एक्स आई, तो ये ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी से ये टर्म आ गई। अब इसके अंदर थ्री और फोर का इस्तेमाल किया, देखो फोर्थ इक्वेशन एफ वाई और एफ एक्स आई के बीच का डिस्टेंस बता रही थी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय टू बता रही है, और थर्ड इक्वेशन में इन दोनों के बीच का लेस देन डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय टू आया था, तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया एप्सिलॉन आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया कि डी वाई एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन आ गया, जो मुझे प्रूफ करना था, ये कब है जब मैंने ये अजम्पशन ले रखी थी डी एक्स एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा, तो मेरे पास आ गया कि दिस टर्म विल होल्ड वेन एवर डी एक्स एक्स वाई इज लेस देन डेल्टा एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स। ठीक है ना, मैंने यही कहा था एक सिंगल डेल्टा विल वर्क फॉर ऑल एक्स, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आ गया। अब देखो जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा था उसमें जो स्टेटमेंट थी उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, देखो ये क्या है डी एक्स एक्स वाई लेस देन डेल्टा, यहाँ से क्या मिल रहा है वाई बिलोंग्स टू एस एक्स डेल्टा। ठीक है, ये यहाँ से मिल रहा है आपको वाई बिलोंग्स टू एस एक्स डेल्टा, सबको मालूम है ना एस एक्स डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट डी ऑफ वाई एक्स इज लेस देन डेल्टा, तो उसी इसी का इस्तेमाल किया कि अगर डी वाई एक्स लेस देन डेल्टा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि वाई बिलोंग्स टू एस एक्स डेल्टा, तो ये यहाँ से आ गया। ऐसे ही यहाँ से आप इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा,
एफ वाई बिलोंग्स टू एस एफ एक्स एप्साइलन, ये आ गया। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट वाई अगर ओपन बॉल एस एक्स डेल्टा के अंदर है, तो उसकी जो इमेज होगी एफ वाई जो होगी वो किसके अंदर आएगी, एस एफ एक्स एप्साइलन, मतलब एक्स की इमेज ले लोगे उससे जो ओपन बॉल बनेगी उसके अंदर आएगी। तो इसका मतलब ऑल टुगेदर मेरे पास क्या आ गया, एस एक्स डेल्टा जो पॉइंट्स होंगे उनकी जो एफ इमेज होगी वो किसके अंदर कंटेंड होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स एप्साइलन वाले जो ओपन बॉल्स होंगी उसके अंदर कंटेंड होगी। ठीक है बच्चों, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्लियर? तो बच्चों मैंने आपको ये चैप्टर अब कंप्लीट करा दिया कॉम्पैक्ट स्पेसिस का। इनफैक्ट आई शुड डिक्लेयर कि मैंने आपका मीट्रिक स्पेस अब पूरा ख़त्म कर दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ द मीट्रिक स्पेस प्लेलिस्ट। आपका पूरा सिलेबस मैंने एज़ पर DU सिलेबस ख़त्म कर दिया। तो बच्चों माई बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स टू ऑल ऑफ यू। अपना रिजल्ट मेरे से शेयर करना, अच्छा सा पेपर देना और मुझे बताना कि कितने नंबर आए आपके। तो बच्चों मिलते हैं आगे किसी और सिलेबस के लिए पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।